पहले बताइए ये डिजाइन किसका है, इसमें आपका क्या मोट है? सर ये पूरा जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये हमारा बनाया हुआ है, दिस इज आवर कॉपीराइट डिजाइन। वेरी इंप्रेसिव, इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया लिखा है। तो सॉफ्टवेयर भी आपने बनाया पूरा इसका? हाँ, ये फर्मवेयर हमारा बनाया हुआ है। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस अभी जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है वो 10,000 के अराउंड चल रहा है। 10,000? यस यस। वाओ, 10,000 पर नॉर्मल स्मार्टफोन 2-3 हज़ार रुपए में आ जाता है आजकल। इट बॉइल्स डाउन टू टेक्नोलॉजी, वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज कर रही है सर 4,000 रुपए। तो अगर 7 साल के बच्चे को अगर आप दे दोगे वो वॉच, वो खेलेगा, एंजॉय करेगा, बट वेयर इज सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी टू इट? गुड पॉइंट। परेशान तो नहीं करेंगे बार बार फोन कर करके हर 5 मिनट में? फिर उनको क्लास मोड में डाल देना। नहीं, क्लास मोड की जरूरत ही नहीं, उसमें एक है कॉल फॉरबिडन, आप बस वो ऑन कर दीजिए, बच्चा आपको कॉल नहीं कर पाएगा, आप जरूर कर पाएंगे। लेकिन ये कॉल फॉरबिडन करने के बाद अगर बच्चे को फोन करना है सेफ्टी के लिए तो? SOS है उसके पास तभी भी, क्लास मोड में भी यू विल हैव वन फीचर जो अलाउ कर देगा कि हाँ आपको पेरेंट्स को आप भेज सकते हो। ये कैटेगरी नई है मैं मानता हूँ, तो अभी तो मार्केट साइज कुछ होगा नहीं, लेकिन कोई प्रॉक्सी है आपके पास कि मार्केट साइज का अनुमान कैसे लगाएं हम? देखिए जिस कैटेगरी हम बना रहे हैं 6-13 का, इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन सेगमेंट उसमें फॉल करती है, 20% 20 करोड़ लोग। लेट अस अज्यूम कि ये वाले बच्चे होंगे कि जो अर्बन का, फॉर टाइम भी 30% का वी टेक कि हाँ वो अर्बन, उसमें से भी वी टेक कि चलो 3% आर दी वेल्दी, एंड क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अभी एट दिस मोमेंट इज देयर, सो 3% वेल्दी पीपल विल टेक दिस, 18 लाख लोग। उसमें से भी मे बी 20% को शॉर्ट, यू विल टेक योर, यू नो हर बंदा तो आपकी वॉच लेगा नहीं, 20% पकड़ सकते हो, 20% भी पकड़ सकते हो, तो 3.6 लाख। हाँ, एंड इफ एवरेज प्राइस कंसिडर एज लो एज 6,000 और समथिंग, 5,000 भी, तो भी एक अच्छा खासा मार्केट हो जाता है, which turns around to be somewhere between 100 CR. तो छोटा मार्केट होगा। 100-150 करोड़ के मार्केट में तो आपकी कंपनी 10-20 करोड़ की बनेगी, तो आप मतलब 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे अभी रेज कर रहे हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर को एग्जिट कहाँ से मिलेगा? अभी का जो वैल्यूएशन है वो हमारी सेल्स के ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट ईयर हमने जनवरी में स्टार्ट किया था एंड वी डिड 1.1 CR, एंड अभी तक का हमारा है 1.4 CR इस फाइनेंशियल ईयर में हम कर चुके हैं। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 25 लाख था। और उसके पहले? उसके पहले हमारा था 5 लाख, बिकॉज हमने मॉडल चेंज किया था। प्रॉफिट कितना था ऑगस्ट? EBITDA इफ यू वुड आस्क इट वुड बी 35%। EBITDA था? हाँ, एंड नेट मार्जिन 25% के आसपास बनता है। ये महीने क्या सेल्स? इस महीने का भी 30 लाख बुक्ड सेल्स। अच्छा, अगले महीने का कितना होगा? 30-40 लाख। उसके बाद टैक्स निकलता है, GST। हाँ, उसके बाद GST निकलता है। उससे भी कम हो गया आपका सेल्स? हाँ। चल मैं ना अपना डिसीजन बना देता हूँ। हमारी अभी तक की आप सेल्स भी देख सकते हैं 1.4 से हम अभी कर चुके हैं, हमारे पास पाइपलाइन में भी। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, वैल्यूएशन तो इन्वेस्टर ही लगा रहा है, आपको लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। पापा देखो, इन्होंने ना एक ऑफर दिया है। I know this market well. इसका ना प्राइस कम कर लो थोड़ा सा, अगर कर सकते हो स्केल किसी तरह ले आओ, एज अ नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर लोग अभी नहीं खरीदेंगे। गो किल इट इन दिस मार्केट, मतलब बिफोर एनीबडी एल्स। यस, जितना ग्रो कर सकते हो करो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आई एम आउट। थैंक यू फॉर द एडवाइस।
देखो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे लगता है मैं भी इसका यूजर बनूंगा। अभी तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसको दे दूंगा तो मेरे को इतने फोन कर देगा कि मतलब मुश्किल हो जाएगा। बट टैम थोड़ा सा अभी ट्रिकी है, मुझे लगता है 2,500 रुपए पे इसका मार्केट साइज बढ़ेगा। अभी मैं इससे बाहर होना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो आपकी वैल्यूएशन आस है मैं उसके आसपास भी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं इससे बाहर। नंबर वन, प्राइस हाई है। सेकंड, सिंपलीफाई कीजिए, बहुत सारे फीचर्स हैं, सेफ्टी पे फोकस कीजिए। 40 क्रोर्स इज नॉट जस्टिफाइड, सो आई एम आउट। आपने अपना फैक्ट्री में कितने पैसे डाले जो आपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया? तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग रेंट पे है द स्पेस, बिकॉज दीज आर हाई वैल्यू लो वॉल्यूम आइटम, 300 स्क्वायर फीट के एरिया में ही मोस्टली सब बनता है। 300 स्क्वायर फीट के स्पेस में बन जाता है? हाँ, स्पेस में, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल आइटम। और हमारा अभी का जो प्रोडक्शन है 500 यूनिट्स पर मंथ का है। ये आप इन हाउस बनाते हैं? हाँ, ये इन हाउस। वाओ, वेरी गुड यार। आप समझते हो कोडिंग और ये सब करना? आप जानते हो यूआई यूएक्स और फर्मवेयर आप बनाना जानते हो? यूआई यूएक्स का स्टिल आई हैव नॉलेज, बट नो, कोडिंग का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आई डू नॉट बिलोंग टू दैट बैकग्राउंड। तो फिर भी आपने ये घड़ी बना ली, कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दाद देने। I think कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉमन सेंस चाहिए सर। इट डजंट मैटर योर एजुकेशन एक्सेट्रा, आपके पास है नॉलेज, यू जस्ट नीड टू टेल, देयर आर पीपल सिटिंग। तो चलिए आपको 2 करोड़ का ऑफर करते हैं। डिटेल्स होता जी समझो। तो हमारा ऑफर होगा 10 करोड़ वैल्यूएशन, व्हिच इज 1 करोड़ इन इक्विटी 10% के लिए, 5% अनुपम, 5% मेरा, और उसके ऊपर अनदर 1 करोड़ इन डेट, जो 15% इंटरेस्ट रेट पे आपको एज लोन दिया जाएगा। आपका बिगेस्ट चैलेंज ये है कि 5 से 10 साल के बच्चों के पेरेंट्स ही, वहाँ चर्न पेरेंट्स का इतना हाई है कि कोई रिपीट है ही नहीं एक्चुअली मीनिंगफुली, क्योंकि बाय द टाइम आप एक बार घड़ी लेंगे आपका बच्चा उस एज से आउटग्रो कर जाएगा, आप फोन दे देंगे। तो बिकॉज अनुपम एंड मैं दोनों के हमारे बच्चे उस एज ग्रुप में है, तो हम एज पेरेंट्स हमें लग रहा है कि यू नो पोटेंशियल है। इट्स अ फैंटास्टिक ऑफर। तो आप सोचिए, बताइए, करना है नहीं करना है आपकी मर्जी। माय काउंटर ऑफर वुड बी 1 crore फॉर 5%, which is 20 crore, and जहाँ तक है ये एकदम fair value हमारी, अभी तक के आप sales भी देख सकते हैं, 1.4 crore हम अभी कर चुके हैं, हमारे पास pipeline में भी है। मैं आपको एक simple सी बात समझाता हूँ अभिषेक, कौन valuation determine करता है? Founder नहीं determine करता, market determine करती है। अगर आपके पास 20 करोड़ या 30 करोड़ की valuation होती तो already आप पैसे उठा लेते। तो valuation तो investor ही लगाएगा, आपको लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ शार्क टैंक इंडिया, और वहाँ पे डील्स, पिचेस, एंटरप्रेन्योर्स और शार्क्स, और मोर इम्पोर्टेंटली मैं भी होऊंगा। तो सब्सक्राइब करिए, देखिए, और लास्ट में बोलते हैं लाइक करिए, मैं कहता हूँ लव करिए।